बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं सना बतूल फूड व्लॉग जी। तो सिस्टर्स कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत बरकत नाजिल करते रहें। आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने लिए थे 5 अदद आलू, उनको मैंने उबाल लिया और इनको मैंने फोक के साथ जो है ना मैश किया है। ठीक हो गया। अब इसमें गया जी सब्ज धनिया, गया बारीक कटे प्याज, गए सब्ज मिर्चे 4 से 5 गई और 1 अदद नींबू का रस डालना है। और मसालों में देखें, सिंपल मसाले 1/2 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च, इन सबको करेंगे मिक्स। सिस्टर्स यहाँ पे मैंने लिए 2 पेड़े, अब उनको करेंगे इतना इतना। ठीक हो गया हाथों की मदद से ही। फिर इसमें करते हैं अपनी फिलिंग स्टार्ट। दूसरी तरफ मैंने अपने पैन में ऑयल गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बस फिलिंग करके तो पराठे को हम बना लेंगे जी। तो सिस्टर्स अब डालेंगे अपनी फिलिंग। नमक मिर्च आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मिर्च आपको ज़्यादा पसंद है, अगर आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं, दड़ा मिर्च जो होती है सुरख मिर्च, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास ख़त्म थी इस वजह से मैं नहीं डाल पाई, नहीं तो मैं मस्त डालती हूँ। और नींबू से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये हमने सारी पराठे की जो है ना एंड तक फिलिंग कर ली है। इसके और भी 2-3 तरीके हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी 2-3 तरीकों से ना ये बनता है आलू का पराठा, वो भी इंशाल्लाह सून टाइम के साथ आपके साथ शेयर करेंगे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। ये देखें, अब हमने इसको हाथों की मदद से इसकी जो है साइडें जो हैं उनको अच्छे तरीके से बंद कर लिया है। बस अब लगाएंगे थोड़ा सा खुशका और अपने पराठे को करेंगे बड़ा। बस इस तरीके से आप अगर ये कर बनाएंगे ना अपना पराठा, तो इसके कॉर्नर्स जो हैं ना वो बहुत मतलब पतले बनेंगे, अच्छे बनेंगे, बेलने की नस्बत ज़्यादा अच्छा आपका पराठा बनेगा। ये देखें, ये बड़ा भी होता जा रहा है साथ साथ, और इसकी साइड्स भी जो है ना वो बिल्कुल पतली हो गई हैं। ये देखें, और बिल्कुल एक जैसा। चलें जी, अब डालेंगे इसको अपने पैन के अंदर। फर्स्ट ये मैंने अपना पराठा डाल दिया अपने पैन के अंदर। पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया हुआ था। अब एक साइड थोड़ी सी कुक हो जाएगी, देन दूसरी साइड हम इसकी टर्न करेंगे साइड टर्न। ये देखें, अब लगाना है इस साइड पर हमने ऑयल, और फिर इस साइड को करेंगे गोल्डन। लेना है ऐसे पराठे को हाफ। ठीक हो गया। और देन आप ना इसको गोल्डन करना है। ये इस तरीके से बहुत मज़े का गोल्डन भी होता है और हर साइड से पकता भी है। मैं दिखाती हूँ आपको ना, ये देखें साथ साथ स्टेप बाय स्टेप। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है ना इसका। साथ साथ ऐसे आपने ना, ये देखें साथ साथ इसको हिलाते रहे, रोटेट करते रहें, साथ साथ ना ये गोल्डन होता जाएगा। और अब इसको गोल्डन करूंगी मैं जी। तो सिस्टर्स, मेरा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा आलू का पराठा रेडी हो गया है और ये बहुत मज़े का बना है। आप चाहें तो इसको साथ केचप के साथ ट्राई करें, आप चाहें तो इसको दही के साथ, प्लेन दही के साथ आप इसे मतलब खा सकते हैं। मैं इसको चीनी डाल के दही में उसके साथ इंजॉय करती हूँ, मुझे ये चीनी वाले दही के साथ अच्छा लगता है। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अच्छा सा कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।